अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एफ निशूर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टमेटो भात, जो साउथ इंडियन डिश है। इसके लिए आपको जो घर में अवेलेबल बहुत इजीली जो हमारी रूटीन में यूज़ होती हैं, बस वही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 स्पून यहाँ पे तेल लिया है भर के, उसमें मैंने ज़ीरा और मस्टर्ड और ब्लैक अनियन सीड्स और करी लीव्स मैंने इसमें डाले हैं। और अब इसमें मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ के अनियंस जो मैंने चॉप कर लिए हैं, और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे डबल द क्वांटिटी ऑफ अनियन, दैट इज़ 4 to 5 मीडियम साइज़ ऑफ टमेटोस। अगर आपको इसमें चाहो तो थोड़ी सी चना दाल या ग्राउंड नट्स डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं होता कि टमेटो भात वो सब चलता है। लेकिन अगर आपको फ्यूजन चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये प्याज जो है एकदम से नरम होने तक मैं इसको पकाती रहूँगी। और इसकी टिप ये है कि जल्दी से प्याज गलने के लिए, नरम होने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, तो ये जल्दी से पक जाएगी। अब इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 4-5 टमेटोज ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा ही टमेटोज ऐड करने हैं क्योंकि ये टमेटो भात है, और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, मैंने हरी मिर्च भी डाली है, तो मैं जो हॉट एंड रेड चिल्ली पाउडर है वो इसमें डालूंगी। आप टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, तो मेरी मिर्ची थोड़ी तेज़ी है, और 1 स्पून उतना धनिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करें, नहीं तो जब उसमें चावल हम मिक्स करेंगे, कुक्ड राइस मिक्स करेंगे, तो बहुत ही पानी पानी हो जाएगा। तो इसका असली टेस्ट आने के लिए सिम पे रखें, अच्छे से टमेटोज अपना जूस जो है मसालों में मिक्स करके छोड़ें, तब तक आप उसको पकाते रहिएगा। अब आप देख सकते हैं कि तेल जो है टमाटर के साथ मिक्स होके मसालों से तंग आके वो अपनी साइड ले लिया है उसने, मतलब तेल जो है मसालों को छोड़ के साइड्स में आ गया है। तो मतलब इसका है कि ये पक गया है पूरी तरह से, एकदम से ये चटनी जैसे बन गया। ये आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना चावल मिक्स करें। अगर आप चावल मिक्स कर देते हैं तो ये टमेटो भात हो जाता है, अगर नहीं तो ये टमेटो की चटनी बन जाती है। तो बस आप बनाएँ, खाएँ, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।